हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल एज चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, तो आज मैं आपको रेडमी नोट 7 प्रो को ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने जा रहा हूँ। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करके बताऊंगा क्या रेडमी नोट 7 प्रो काफ़ी मतलब यहाँ पे हद तक सह सकता है। यहाँ पर ट्विटर पे खुद से स्वामी ने यहाँ पर ट्वीट करके बताया है और वहाँ पर 2-3 वीडियो भी अपलोड की है ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो वही सब वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा क्या रेडमी नोट 7 एंड रेडमी नोट 7 प्रो वाकई में यहाँ पर काफ़ी मजबूत है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। तो क्या क्या चीज़ें सह सकता है ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में और कितने हद तक ये सह सकता है, सब कुछ फ्रेंड आपको हम यहाँ पर डिटेल में बताएंगे और दिखाएंगे भी। तो इसी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं कि रेडमी नोट 7 में एंड रेडमी नोट 7 प्रो में आपको दोनों साइड आपको गोरिल्ला ग्लास 5 को आपको प्रोटेक्शन मिलता है, जो कि रेडमी का कहना है कि काफ़ी मजबूत है। इसमें आप अगर की से करते हो या तो फिर यहाँ पे अखरोट वगैरह तोड़ते हो तो यहाँ पे काफ़ी मतलब आपको देर तक मोबाइल फोन सह सकता है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे अखरोट तोड़ कर दिखाऊंगा, उसको मैं यहाँ पे तरबूज तोड़ कर दिखाऊंगा, फिर उस पर की को स्क्रैच करूंगा और यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे चीज़ करूँगा, उसमें मैं जूते पहन कर चढ़ूंगा, मतलब इस तरह के बहुत सारे चीज़ आपको ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में आपको रेडमी नोट 7 प्रो में दिखाऊंगा और देखूँगा क्या रेडमी नोट 7 प्रो काफ़ी हद तक सह पाता है या उसका ग्लास टूट जाता है या उसका बैक पैनल टूट जाता है। मतलब काफ़ी हद तक मैं आपको स्क्रैच करके दिखाऊंगा। और यहाँ पर रेडमी नोट 7 प्रो के खुद दावा करता है रेडमी कि बिल्कुल ये ड्यूरेबिलिटी टेस्ट चाहने वाला फ़ोन है, इसमें आप कितने भी यहाँ पे स्क्रैच कर लो या स्क्रैच होने वाला नहीं है, काफ़ी मतलब हद तक मजबूती ये देगा, ऐसा खुद से कहना है। तो चलिए हम वो सब वीडियो देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे स्वामी ने ट्विटर पर 3 वीडियो को अपलोड की है, जो कि तीनों अलग अलग वीडियो है। यहाँ पे कहीं पे अखरोट से तोड़ा जा रहा है तो कहीं पे चाकू से स्क्रैच किया जा रहा है, कहीं पे नाइफ से स्क्रैच किया जा रहा है। मैं तीनों वीडियो आपको पारी पारी दिखाऊंगा और उसमें देखूंगा कि यहाँ पे स्क्रैच को सह पाता है कि नहीं। तो जो सबसे पहला वीडियो है, इसमें शू पहन के चढ़े जा रहे हैं इस पर फोन पे, जैसे कि देख सकते हैं शू से यहाँ पे दबाव दिए जा रहे हैं, यहाँ पे शू पे मतलब उस पर चढ़े जा रहे हैं, उठा उठा के पैर उस पर मारे जा रहे हैं और नुखेले सैंडल से भी मारे जा रहे हैं। फिर भी यहाँ पास टच को देखेंगे, टच बिल्कुल यहाँ पास स्मूथली वर्क कर रहा है है। और यहाँ पे फिर से हम एक हाथी का पाँव पहन के आएंगे, यहाँ पे खुद से रेडमी यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पे हाथी का पाँव पहन के आएंगे, वहाँ पे भी ये सह रहा है। सेकंड वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे एक को फोड़ा जा रहा है रेडमी नोट 7 प्रो को, यहाँ पे अखरोट को तोड़ा जा रहा है, जो कि बिल्कुल अखरोट यहाँ पे चूर चूर हो जा रहा है। ऐसा रेडमी नोट 7 को प्रो को एकदम बिल्कुल यहाँ पे मतलब धज्जी उड़ा दिया जा रहा है, लेकिन रेडमी नोट 7 प्रो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे सेफ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जो कि तीसरी वीडियो यहाँ पे रेडमी ने अपलोड किया है, यहाँ पे बिल्कुल एक अलग वीडियो है, यहाँ पे नाइफ से सब्जी को काटा जा रहा है, वो भी रेडमी नोट 7 प्रो के रख के, फिर भी यहाँ पे स्क्रैच बिल्कुल नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रैच के एक को नाम निशान नहीं है। यहाँ पे नुकीले यहाँ पे नाइफ से भी किया जा रहा है, नुकीले यहाँ पे स्पून से भी किया जा रहा है, फिर भी यहाँ पे स्क्रैच का एक भी नाम नहीं है। तो बहुत ही कमाल का ये डिवाइस है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी ने देख लिया है, यहाँ पे रेडमी नोट 7 प्रो के यहाँ पे मैंने काफ़ी तरह से मैंने आपको वीडियो दिखाया, जो कि ट्विटर पे ऐसा वीडियो अपलोड थी। तो मैंने आपको इस वीडियो बस इसलिए दिखाया कि अगर आप रेडमी नोट 7 प्रो लेने के लिए सोच रहे हैं तो काफ़ी मजबूत फ़ोन है। यहाँ पर मैंने की से भी देखा वीडियो आपको दिखाया, शूज से भी दिखाया और यहाँ पर मैंने नाइफ से भी मतलब बहुत तरह यहाँ पर आपको ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करके मैं आपको दिखाया हूँ, जो कि रेडमी नोट 7 प्रो में यहाँ पर बहुत मतलब उसका दावा कहना है कि काफ़ी हद तक यहाँ पर स्क्रैच को सह पाएगा। तो जहाँ तक मुझे भी लगता है कि फ़ोन काफ़ी मजबूत है रेडमी नोट 7 प्रो, यहाँ पे इसका जो बैक पैनल वो भी काफ़ी मजबूत है, इसका ग्लास भी काफ़ी मजबूत है। तो अगर आप लेने के लिए सोच रहे हो तो इसे ज़रूर ले लेना, यहाँ पे गिरने से भी ये फ़ोन में स्क्रैच नहीं आएगी, काफ़ी मस्त फ़ोन है। तो इस वीडियो में बनाने का मकसद बस यही था कि अगर आप ये सब फ़ोन लेने के लिए सोच रहे हो तो यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में काफ़ी हद तक सह सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।